देश को आए तो काम करना ही पड़ेगा। मैं दो बातें संक्षेप में कहना चाहता हूँ। राजनीति साहित्य में मेरा अध्ययन का विषय कभी नहीं रहा, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और साहित्य में पर विचार करते हुए एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है फॉर्म। और देखना है दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, इसलिए इसी दृष्टि से मैं सही राजनीति को जांचता हूँ। मसलन पूरी की पूरी राजनीति, सरकार बनती है, चुनाव होते हैं, चुनाव लड़के आते हैं और लोकतंत्र जिसे कहते हैं वो लोकतंत्र बाकायदे जनता के सहयोग से उसमें भागीदारी से बनता है। लेकिन बनने के बाद फॉर्म पूरा का पूरा इलेक्शन द्वारा कोई सरकार, जैसे मोदी की सरकार इलेक्शन से ही आई है, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि फॉर्म पूरा का पूरा तो पक्का है, चुनाव लड़के आए हैं, लेकिन जो छवि बनती है उनको बोलते हुए सुने तो लगता है, मुझे लगता है हिटलर बोल रहा है। यानी एक आदमी जो मूर्धन्य है, सर्वोच्च है, एक छत्र है, निरंकुश, तो पता चलता है कि जैसे साहित्य सारे उपन्यास गोदान भी उपन्यास है, नदी के द्वीप भी उपन्यास है और जो बाजार में बिकने वाले सस्ते नावल होते हैं भी कहानी कहते हैं, तो फॉर्म पूरा का पूरा तो उपन्यास के नाम पर जो भी कहानी कहता है उपन्यास हो गया, लेकिन कंटेंट उसका क्या है? वो सचमुच कविता के बारे में भी यही बात है। छंद में लिखी हुई बहुत सी कविताएं हैं लेकिन वो सारी कविताएं रामचरितमानस से नहीं है। इसलिए साहित्य में हम जांच करते हैं कि फॉर्म एक हो सकता है लेकिन कंटेंट उसका क्या है ये महत्वपूर्ण है। अंतर वस्तु उसकी क्या है जिसे हम कहते हैं, इस तरह हम जांचते हैं कि फॉर्म पूरा का पूरा हो सकता है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था और स्टालिन भी चुनाव जीत के आए थे, इसलिए चुनाव जीत करके आए तो फॉर्म पूरा का पूरा लोकतांत्रिक है, लेकिन जो बनती है सरकार तो देखते हैं कि फॉर्म पूरा का पूरा एकदम लोकतांत्रिक होते हुए भी उसका व्यवहार जो है वो पूरा का पूरा लोकतांत्रिक है कि नहीं। एक डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर जैसा व्यवहार करता है, मसलन चुन के जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, क्षमा करिएगा चुनकी मोदी भी आया, लेकिन जो स्वर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का दिखाई पड़ जाए वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल का नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए फॉर्म और कंटेंट जब भी जनतंत्र की हम जांच करते हैं, लेकिन जनतंत्र रूप विधान में जनतंत्र है, फॉर्म में जनतंत्र है, लेकिन कंटेंट भी उसका जनतंत्र का है कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य में हम चूंकि रूप विधान और कंटेंट के संबंधों पर विचार करते हैं, उसी दृष्टि से मैं आज की राजनीति को भी देखता हूँ। मुझे याद आता है जयशंकर प्रसाद ने आज़ादी के अंग्रेजी राज के जमाने में चाणक्य का वक्तव्य है चंद्रगुप्त नाटक। चाणक्य कहता है कि ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है न किसी के अन्न पर पलता है, स्वराज्य में विचरण करता है। उन दिनों ब्राह्मण स्वयं खेती नहीं करते थे, खेतों से जो अन्न झड़ जाते थे उसको बटोर लेते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। इस आधार पर उसे कहता है कि न किसी के अन्न पर ब्राह्मण, किसी के अन्न पर अब्राह्मण, मैंने आदर्श नहीं पढ़ता है। ब्राह्मण माने बुद्धिजीवी, लेखक, चिंतक,
तो उसके बाद के अंग्रेजी राज के जमाने